हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम एसएससी जेई के प्रीवियस पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 23 वीडियो में बहुत से पेपर को डिस्कस किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सीरीज से आप सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी जो 2018 का एसएससी जेई का पेपर हुआ था उन सभी सेट में, एक सेट को छोड़कर बाकी सभी में 60 से 70 क्वेश्चन वही आए जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ऐसा स्टूडेंट सभी बोल रहे थे और मैंने भी पेपर देखे थे, आपको एनालिसिस करवाया था। तो यदि आप एसएससी जेई 2019 की प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो सभी वीडियो को सीक्वेंस से देखिए और मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और डिटेल में समझाता हूं, ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आता है तो आप इजीली कर पाएँ। तो मैं सभी स्टूडेंट को लेके चलता हूं, ताकि जो थोड़े वीक होते हैं मैकेनिकल के अंदर तो वो भी अच्छे से समझ सके। इस वीडियो के अंदर हम पेपर के पहले 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं वो एक साथ करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ए थ्रेडेड स्क्रू हैज। तो स्क्रू थ्रेड का आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था स्क्रू थ्रेड जो होता है वो लोअर पेयर होता है और लोअर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लॉ स्टेट दैट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक शुड नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू लिंक इन फोर बार मैकेनिज्म। तो फोर बार मैकेनिज्म के अंदर चार लिंक होते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है शॉर्टेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक की लेंथ जो होती है वो जो अदर दो लिंक होते हैं, मान लो उसकी उनका नाम है पी और क्यू, तो उनके समेशन से कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ये बोलता है ग्रेसॉप लॉ। ये कंटिन्यूस मोशन के लिए ज़रूरी है। यदि ये लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा तो कंटिन्यूस मोशन नहीं होगा, इंटरमिटेंट मोशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंट्रोलिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन इन एन इंजन। तो यहाँ पे आंसर जो है आपको थर्ड या फोर्थ लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोलिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन इन एन इंजन, तो इंजन के अंदर फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कौन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फ्लाई व्हील। गवर्नर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, यदि हमको फ्लक्चुएशन आउटसाइड कंट्रोल करना है, यानी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल या फिर स्पीड को कंट्रोल करना होगा, तो हम गवर्नर यूज़ करते हैं, इंटरनली हम यूज़ करते हैं फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लाई व्हील का फंक्शन कौन नहीं है। पहला दिया गया है स्टोर एंड रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग वर्क साइकिल। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि मान लो मैं बात करूँ फोर स्ट्रोक इंजन की, फोर स्ट्रोक के अंदर टोटल स्ट्रोक कितने होंगे, 4 होंगे। 3 स्ट्रोक के अंदर पावर प्रोड्यूस नहीं होती है, पावर सिर्फ एक ही स्ट्रोक में होती है, उसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। तो बाकी 3 को पावर देने के लिए फ्लाई व्हील का काम होता है, वो उस एनर्जी को स्टोर कर लेता है और 4 स्ट्रोक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सेकंड दिया गया है रिड्यूस पावर कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो यदि ये फ्लक्चुएशन को रिड्यूस कर देगा तो इलेक्ट्रिक मोटर की कैपेसिटी जो है वो यदि कम होगी तो भी यूज़फुल हो जाएगी। तो रिड्यूस द पावर कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये बात भी सही है। रिड्यूस एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीड फ्लक्चुएशन, तो मेन फ्लाई व्हील का काम ही यही होता है कि वो फ्लक्चुएशन को कम करता है। फोर्थ दिया गया है रिड्यूस इंजन स्पीड, तो फ्लाई व्हील जो है इंजन की स्पीड को कम नहीं करता, तो फोर्थ जो है गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बेल्ट विद डायमीटर D1 एंड D2 एंड द डिस्टेंस x अपार्ट। यानी कि ड्राइवर और ड्राइवर पुली के बीच की जो लेंथ है वो x है, इज कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ पे आपको ओपन बेल्ट ड्राइव की लेंथ पूछी है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन x। ये फॉर्मूला होता है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। यहाँ पे आपको डायमीटर दे रखा है, तो यदि आप इसको r रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर होगा तो नीचे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे देखिए थर्ड करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में जो प्लस का साइन है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, या तो मिस प्रिंटिंग है या फिर क्वेश्चन थोड़ा है आंसर गलत दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको क्रॉस बेल्ट की पूछे तो यहाँ पे सिंपली आपको माइनस की जगह प्लस करना है, बाकी फॉर्मूला जो है सेम ही रहता है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैकेनिज्म ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द स्लाइडिंग पेयर इन ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज। तो मैंने आपको सिंपल मैकेनिज्म पढ़ाई थी, तो सभी इन्वर्जन आपको बताए थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन में आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यदि हम
स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो बुल इंजन बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। द डिस्क क्लेच क्लच एक्ट एज ए ड्राइवर मेंबर या ड्रिवन मेंबर या न्यूट्रल मेंबर, तो यहाँ पे आपको बताना है डिस्क क्लच जो होता है क्लच कैसा एक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में एक डिस्क क्लच दिख रहा होगा, तो यह इंजन शाफ्ट जो होती है वो ड्राइवर होती हैं और यहाँ पे होती हैं ड्रिवन शाफ्ट। तो ड्रिवन शाफ्ट में क्लच प्लेट लगी होती हैं तो ये ड्रिवन मेंबर की तरह वर्क करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पॉजिटिव क्लच। तो क्लच मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन क्लच, दूसरा होता है पॉजिटिव क्लच। फ्रिक्शन क्लच कौन कौन से होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच और कॉनिकल क्लच, सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच, ये होते हैं फ्रिक्शन क्लच। यदि हम बात करें पॉजिटिव क्लच की तो जो क्लच, डो क्लच और टूथ क्लच जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव क्लच, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, टू क्लच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गियर इज यूज टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा गियर यूज करते हैं, बेवल गियर, हेलिकल गियर, स्पर गियर या फिर वोम एंड वोम व्हील, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बेवल गियर। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये बेवल गियर है, इसकी एक की शाफ्ट ये है और दूसरे की ये है, यानी कि ये परपेंडिकुलर शाफ्ट जो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं उन शाफ्ट को के अंदर हम बेवल गियर यूज़ करते हैं। मैं आपको हेलिकल और इन सभी के बारे में भी बता देता हूँ, हेलिकल गियर और स्पर गियर जब पैरेलल शाफ्ट होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम हेलिकल और स्पर गियर यूज़ करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा कि वोम एंड वोम व्हील में भी इंटरसेक्टिंग होता होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है वोम एंड वोम व्हील के अंदर नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पूछा है तो यहाँ पे आंसर बेवल गियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच इक्वेशन डज नॉट प्रोवाइड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द गियर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ पिनियन टू द स्पीड ऑफ गियर, ये होता है एक तो। दूसरा होता है जो टीथ होता है, यानी टीथ ऑफ गियर टू द टीथ ऑफ पिनियन, क्योंकि जो स्पीड है वो टीथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम डायमीटर के रूप में बात करें तो डायमीटर ऑफ गियर टू द डायमीटर ऑफ पिनियन, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सेकंड जो है ये नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस व्हेन द इक्विलिब्रियम स्पीड डैश एंड रोटेशन एट ऑल रेडियस ऑफ बॉल। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नर की तीन कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। यदि हम रेडियस ऑफ रोटेशन को इंक्रीज करते हैं उस टाइम में यदि हमारी स्पीड इंक्रीज होती है तो ऐसे गवर्नर को हम बोलते हैं स्टेबल गवर्नर। क्या बोलते हैं, स्टेबल गवर्नर। यदि हम रेडियस ऑफ रोटेशन को डिक्रीज करते हैं तो स्पीड डिक्रीज होती है तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल, और यदि हमारी हम रेडियस ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन हमारी स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है यानी उल्टा काम हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम अनस्टेबल। क्या बोलेंगे, अनस्टेबल गवर्नर। यदि हम रेडियस ऑफ रोटेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे अनस्टेबल गवर्नर। तीसरी कंडीशन होती है यदि हम रेडियस ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर हम डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन हमारी जो स्पीड है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे गवर्नर को हम बोलते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर। तो यहाँ पे जो है आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस व्हेन इट्स इक्विलिब्रियम स्पीड इज कॉन्स्टेंट एट रोटेशन एट ऑल रेडियस ऑफ बॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज आल्सो नोन एज डेड वेट टाइप गवर्नर। पोर्टर गवर्नर, वाट गवर्नर, हार्टनेल या फिर पिकरिंग गवर्नर, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पोर्टर गवर्नर। तो यहाँ पे आपको रेड कलर के अंदर दिख रहा होगा ये है डेड वेट, तो हम पोर्टर गवर्नर में डेड वेट यूज़ करते हैं। यदि हम इस डेड वेट को हटा देंगे तो ये वाट गवर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाट गवर्नर के अंदर हम डेड वेट यूज़ नहीं करते, लेकिन हार्टनेल गवर्नर जो होता है ये स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए वाट गवर्नर इज वर्किंग हैज ए हाइट ऑफ 2 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ गवर्नर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, एन स्क्वायर इजिकल्स टू 895/h। तो यहाँ पे आपको सिंपली h की वैल्यू पुट करनी है, 895/h की वैल्यू क्या कितनी देर की है, 2 मीटर देर की है, तो ये कितना आ जाएगा, 447.5। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 447.5। अब बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि इसका वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत पास में आंसर दे रखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 20 का स्क्वायर तो याद होगा कितना होता है, 400 होता है, लेकिन 400 से यह ज़्यादा है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, इतना तो आप याद रखते ही होंगे, ये होता है 441।
लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 447.5, यानी कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 21 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो 21.14 दे रखी है, तो यहाँ पे आंसर 21.14 हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप बिना कैलकुलेटर के आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द टर्म जंप सिग्निफाई इन केम एंड फॉलोवर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केम एंड फॉलोवर के अंदर जंप क्या होता है। यदि केम की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो फॉलोवर और केम के बीच में कॉन्टैक्ट टूट जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जंप। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सेकंड दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। फॉलोवर लूजेज कॉन्टैक्ट विद केम सरफेस व्हेन फॉलोवर रोटेट बियॉन्ड ए पर्टिकुलर स्पीड ड्यू टू इनर्शियल फोर्सेस। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं होता, इनर्शियल फोर्स की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग इज नोन एज। तो कोई भी जो मटेरियल होता है यदि हम उसके ऊपर लोड लगाते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है, तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं टफनेस। तो क्रीप, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, ये सब क्या होती हैं, मैंने आपको जब मटेरियल साइंस का टॉपिक पढ़ाया था प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया था। यदि फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, आपको जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सारी समझ में आ जाएगी। यदि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता कि द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म इलास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग इज नोन एज, तो यहाँ पे आंसर हो जाता रेजिलियंस। यहाँ पे प्लास्टिकली पूछा है तो टफनेस आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी जो है मैंने वहाँ पे डिटेल में समझा रखी है, तो यहाँ पे मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सपोर्ट हैज़ ए सिंगल रिएक्शन कंपोनेंट। तो सिंगल रिएक्शन कंपोनेंट किस में होते हैं, तो मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया था सोम का तो बताया था हिन सपोर्ट्स, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट के अंदर जो हमारा रोलर सपोर्ट होता है वहाँ पे सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल और जो मूवमेंट होता है ये दोनों जीरो होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होती है। किस में, रोलर सपोर्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ए बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ साइड बी विथ लोड पी इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं। ये हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, इसकी सभी साइड जो है बी है। यदि हम हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे कोई लोड लगाते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा गया है नॉर्मल स्ट्रेस पूछा गया है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, वो होते हैं लोड अपॉन एरिया। तो लोड तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री पे लगा रखा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी कॉस 30। तो यहाँ पे जो पी है हमारा ये क्या हो जाएगा, पी कॉस 30 हो जाएगा। पी कॉस 30 अपॉन एरिया कितना होता है, ये होता है बी स्क्वायर। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो √3 P/2 B² तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देर इज़ अ टेस्ट फॉर ब्रिटल मटेरियल, नो इलास्टिक जोन, नो प्लास्टिक जोन, लार्ज इलास्टिक जोन, लार्ज प्लास्टिक जोन। तो फ्रेंड्स ब्रिटल मटेरियल का डायग्राम क्या होता है, ये हमारा शियर स्ट्रेस होता है, ये होता है स्ट्रेन। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए जो जैसे ही हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ये फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि इसके अंदर प्लास्टिक जोन नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ डक्टाइल मटेरियल की, यदि यहाँ पे आपको डक्टाइल मटेरियल के पूछा होता तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डायग्राम कैसा बनता, ये हमारी इलास्टिक जोन होता है, फिर प्लास्टिक जोन होता है, और फिर ये फ्रैक्चर होता है यहाँ पे। तो ये क्या जोन होता है, ये होता है प्लास्टिक जोन, जो कि ब्रिटल मटेरियल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यदि हमारा कोई कॉलम है एक एंड से फिक्स है और दूसरी तरफ से फ्री है, तो इक्विवेलेंट लेंथ होती हैं वो 12 होती हैं। और मैं दूसरे केस भी आपको वापस बता देता हूँ, यदि दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो इक्विवेलेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। और यदि हमारा एक एंड, यदि हमारे दोनों एंड जो हैं हिंज हैं, हिंज कैसे होते हैं, ऐसे हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट नहीं, हिंज सपोर्ट है, तो हमारी इक्विवेलेंट लेंथ जो होती है L के बराबर होती है। तीनों केस बता दिए मैंने, फ्री एंड हो तो डबल हो जाएगी, दोनों फिक्स हो तो L/2, और दोनों हिंज हो तो इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपको किसका पूछा गया है, पूछा गया है वन एंड इज फ्री, तो यहाँ पे फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉलम ऑफ लेंथ 8 m विथ बोथ एंड आर फिक्स्ड मे बी कंसिडर्ड एज ए इक्विवेलेंट टू
कॉलम ऑफ लेंथ डैश विथ बोथ एंड आर हिंज। तो बोथ एंड आर हिंज होंगे तो लेंथ जो हो इक्विवेलेंट लेंथ वो एल ही होती हैं और दोनों फिक्स जो होते हैं फिक्स्ड के लिए इक्विवेलेंट लेंथ कितनी हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था एल बाई टू, तो यदि एट है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एट बाई टू यानी कि फोर हो जाएगी, और यहाँ पे तो फोर ही रहेगी तो फोर के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए स्टील कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट द स्लेंडरनेस रेशियो इज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है कॉलम के अंदर। इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना चाहिए, स्लेंडरनेस रेशियो या फिर बकलिंग फैक्टर, इसको हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है इक्विवेलेंट लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन हम कैसे निकालते हैं, तो के मिनिमम इज इक्वल टू आई मिनिमम अपॉन ए। आई मिनिमम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए है एरिया। तो ऐसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट लेंथ अभी मैंने आपको बताया था, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसे हम बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट लेंथ के लिए याद रखना है, यदि जो वैल्यू है वो 30 से कम होगी तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ ए रोड ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 mm इंटू 30 mm कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 20 kN। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस बताना है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड यहाँ पे कितना दे रखा है, 20 kN, तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10^3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, और एरिया कितना है 20 × 30 mm में दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपको मेगा पास्कल में पूछा है, यदि हम एरिया ये न्यूटन में रखेंगे और एरिया यदि mm में रखेंगे तो न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या होता है, मेगा पास्कल होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं 20 × 30, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 1000 अपॉन आता है 30, तो 10 से 10 यानी 100/3 कितना हो जाएगा, 33.33। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द चेंज इन यूलर बकलिंग लोड इफ़ द डायमीटर ऑफ कॉलम इज रिड्यूस बाई 10%। तो आपको कॉलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूलर बकलिंग लोड पी इज इक्वल टू होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर। एल ई क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ है जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कुल मिला के जो हमारा इक्विवेलेंट लोड है ये किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई स्क्वायर d^4/64 होता है, पाई d^4/64। तो यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट लोड होगा ये d^4 के प्रोपोर्शनल होगा, बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि यदि हम कॉलर का डायमीटर 10% रिड्यूस करेंगे तो लोड कितने परसेंट चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल लोड माइनस फाइनल लोड अपॉन इनिशियल लोड, और लोड हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, डायमीटर के। तो यहाँ पे देखिए d^4 इनिशियल माइनस d^4 फाइनल अपॉन d^4 ये इनिशियल हो जाएगा। इनिशियल कितना है, मान लो कोई d है, फाइनल कितना है, 10% रिड्यूस हुआ है तो बचा कितना है 90%, तो 0.9 d आ जाएगा कि पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे भी पावर 4 हो जाएगी अपॉन d^4। तो यहाँ पे d^4 सारा में कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1 − 0.9 की पावर 4। यहाँ पे आपको 0.9 का स्क्वायर करना है, तो 0.9 का तो हो जाएगा 81, और 81 × 81 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.6561, यानी कि लगभग जो है 0.66 के आसपास वैल्यू आ रही है। यदि परसेंटेज में देखेंगे तो 60% रिड्यूस हो, 60% फाइनल हो गया है, यानी कि हमारा रिड्यूस कितना हुआ है, तो 100 − 66 यानी कि 34 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ए कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट हीट एट रेट 120 kW व्हाइल द कंप्रेसर कंज्यूम ए पावर ऑफ 30 kW द COP ऑफ सिस्टम वुड बी। तो यहाँ पे आपको COP बताना है। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस किसी ना किसी वीडियो में करवा चुका हूँ, देखते हैं कौन आंसर देता है, तो कमेंट में आंसर ज़रूर देना। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।